जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 9 नए पॉजिटिव आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 502 पर पहुंच गया है। सभी पॉजिटिव नीमच शहर के बताए गए हैं। गौरतलब है कि जावर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ के बीच नीमच शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में नीमच शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शनिवार को 9 नए पॉजिटिव सामने आए, जिसमें 4 विकास नगर से सामने आए हैं। आपको बता दें कि विकास नगर में अब एक ही परिवार से 11 संक्रमित सामने आ चुके हैं और ये सभी ड्राई फ्रूट व्यापारी के परिवार से बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 2 पॉजिटिव माधवगंज मोहल्ला में पूर्व में पॉजिटिव आई महिला के परिवार से हैं। साथ ही 1 पॉजिटिव राम अवतार कॉलोनी से सामने आया है। वहीं 1 पॉजिटिव गांधी वाटिका के समीप से पॉजिटिव आया, जो वस्त्र व्यापारी बताया गया है। इसके अलावा 1 मरीज ग्वालटोली से सामने आया। प्रशासन ने नए मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर नए क्षेत्रों में रात्रि में कंटेनमेंट जोन बनाया है। जिले में अब तक 443 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार शनिवार को 9 नए पॉजिटिव आए। इस तरह से अब जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55 है।